After subscribing, hit the bell icon for never miss an update from O Mera Technical PR. दोस्तों एंड्रॉइड मोबाइल से क्या सच में डिलीट किए हुए फोटोज वापस आ सकते हैं या नहीं, ये कितना सच होता है और कितना झूठ है, ये इस वीडियो में हम इस टॉपिक की तह तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि ये वाकई में ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो जानने के लिए दोस्तों हमारा ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। चलती है क्या नौ से बारह। नमस्कार दोस्तों, मैं बिमल सिंह आपका अपने YouTube फैमिली ओ मेरे यार टेक्निकल प्यार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों क्या सच में एंड्रॉइड मोबाइल से डिलीट किए हुए फोटोज वापस आ सकते हैं? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों मैंने YouTube पर काफ़ी सारे वीडियोस देखे और उनके कहे अनुसार काफ़ी सारे ऐप भी इंस्टॉल किए जिससे मेरे फ़ोटो रिकवर हो सके, लेकिन दोस्तों यकीन मानिएगा मेरा एक भी फ़ोटो वापस रिकवर नहीं हुआ जो मैंने मेरे हाथों गलती से डिलीट हो गया था। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी या उन्होंने झूठ बोला या उन्होंने फ्रॉड किया, लेकिन दोस्तों उनका जो वीडियो था वो ओनली 50% सच था, ओनली वो जो ऐप है 50% वर्क करते थे। उसी आधार पे दोस्तों मैंने यहाँ पर तीन ऐप ढूंढे हैं जो आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। तो चलिए बात करते हैं उस ऐप की जिससे मैं थर्ड नंबर का रैंक दिया हूँ। दोस्तों जो थर्ड नंबर का ऐप है उस ऐप का नाम है डम्प स्टार ऐप, जिसका रिव्यू हमारे टेक्निकल गुरुजी ने किया जिनको आप सभी जानते हो। दोस्तों उस ऐप को भी मैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके देखा हूँ, लेकिन दोस्तों उस ऐप की खासियत ये है कि उस ऐप में आपकी डिलीट की हुई फ़ोटोज़ वापस तभी आएंगे जब वो ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा, यानी कि आपने आपके मोबाइल में उस ऐप को इंस्टॉल किया और उसके बाद यदि आप फ़ोटो को डिलीट करते हो तो ही वो फ़ोटो रिकवर हो पाएंगे। यदि आप फ़ोटो डिलीट करने के बाद उस ऐप को इंस्टॉल करके रिकवर करने की कोशिश करोगे तो वो फ़ोटो वापस कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों इस कारण इस ऐप को मैंने थर्ड नंबर पोजीशन दी है। मतलब इस ऐप का काम सिर्फ इतना है कि ये रिसाइकल बिन जो लैपटॉप में यूज़ होता है उस रिसाइकल बिन की तरह ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे ऐप के बारे में। दोस्तों जो सेकंड नंबर का ऐप है उस ऐप का नाम है डिस्क डिगर फोटो रिकवरी ऐप। तो दोस्तों इस ऐप का रिव्यू जो है वो बहुत सारे यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में किया है, यूँ कहो तो बहुत सारे यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में इस ऐप को बताया है कि यह ऐप बहुत अच्छे से फ़ोटो रिकवर करता है। लेकिन दोस्तों मैंने इस ऐप को भी इंस्टॉल करके देखा हूँ, 2-3 दिन इसे यूज़ किया है, लेकिन ये भी उतने अच्छे तरीके से फ़ोटो रिकवर नहीं कर पाता है। ये भी सेम डम्प स्टार ऐप की तरह ही वर्क करता है, ये रिसाइकल विन की तरह काम करता है। तो दोस्तों इस ऐप को मैंने सेकंड रैंक दी है क्योंकि ये जो ऐप मुझे इतना खास नहीं लगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो नंबर वन ऐप की, जो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, जो आपके डिलीट किए हुए चाहे तो 1 साल पुरानी 2 साल पुरानी जितनी पुरानी फ़ोटो होगी आपके मोबाइल में हर एक फ़ोटो को वो ये जो ऐप है वो रिकवर कर देगा। तो चलिए दोस्तों जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ उस ऐप का नाम है रीस्टोर इमेज ऐप। दोस्तों ये जो ऐप है ये जो ऐप दोनों ऐप से बिल्कुल डिफरेंट है। ये मतलब जो ऐप है ये बहुत अच्छा ऐप है, मैं इसे यूज़ भी किया हूँ और दोस्तों ये जो ऐप है वो आपके सारे फ़ोटो को रिकवर कर देगा। लेकिन दोस्तों मैं इस ऐप की 90% गारंटी लेता हूँ कि 90% आपकी फ़ोटो रिकवर कर देगा। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जाना है प्ले स्टोर में, वहाँ पर डालना है रीस्टोर इमेज और इस तरह का आइकन आपको इस ऐप का दिख जाएगा और इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पर सर्च द इमेज यू वांट टू स्टोर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर कुछ टाइम यहाँ पर प्रोसेस चलेगा और आपके फ़ोटो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस ऐप को आप 1 दिन तक अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखें, क्योंकि ये एक बार में आपकी फ़ोटो सारी की सारी रिकवर नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको 2-3 बार या हो सके 4-5 बार इसे सर्च करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे करके आपके सारे फ़ोटो आ जाएंगे। दोस्तों इस ऐप
से मुझे बहुत पुरानी पुरानी फ़ोटो रिकवर हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा ट्रू ऐप है। मैं इस ऐप को इसलिए रिकमेंड करता हूँ और दोस्तों आप भी इस ऐप को इस्तेमाल कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा ये ऐप आपको कैसा लगा। तो दोस्तों ये था एंड्रॉयड मोबाइल से फ़ोटो रिकवर करने का बहुत ही अच्छा तरीका, और चाहे तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके रख सकते हैं। और यदि दोस्तों आप अपने मोबाइल में रिसाइकल विन की तरह अगर कोई सा ऐप यूज़ करना चाहते हैं, रिसाइकल विन जो लैपटॉप में होता है, अगर रिसाइकल विन की तरह कोई सा ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो सेकंड नंबर रैंक का मैं आपको ऐप बताया हूं उस ऐप को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो ऐप सेकेंड और थर्ड नंबर का ऐप है। उन दोनों ऐप में बहुत अच्छे लगे मुझे वो दोनों ऐप, कि यदि आप उनको इंस्टॉल करके कोई सा भी फ़ोटो डिलीट करोगे तो वो रिसाइकल विन की तरह आपके उस डंप स्टार और डिस्क डिगर वाले ऐप के अंदर फ़ोटो सेव हो जाएंगे और अब वहां से आप बहुत ही आसानी से उन फ़ोटो को रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे इस YouTube फैमिली टेक्निकल प्यार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, अब मैं चलता हूँ अपने